तेजस्वी यादव ने जो नौकरी मास्टर में दी नहीं आपको मिली? नहीं, मेरा गांव में मिला है, बहुत लड़कन को मिला है। जान पहचान में किसी को नौकरी मिला? हम लोग के गांव में बहुत मिला है। मेरे गांव में 17 आदमी को मिला है, और आपके बताइए आपके यहाँ किसी को जी? मेरे बगल में ही मिला, धनंजय कुमार नाम है उसका, उसको मिला है। 5 kg अनाज में ये पूरा 80 करोड़ जनता को तोलना चाहते हैं। आपने जो पिछले 10 वर्षों तक जो 14 में और 19 में वादे किए, एक काम आपने पूरा नहीं किया। तो ये जो जनता जो आज सड़क पे आई है, ये कोई रोड शो नहीं है, ये जनसंपर्क है। बहुत मजी यान करो चाचा चाची जे ने तने ओ की दा बाबा बतम ललते ने जने बहुत मजी यान करो जे ने तने बोल तू चाचा कोई देलन जनता जोरे घातावा अबे नई खेरा गइले अबे जनता के बिसावा सावा। बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1,25,00,000 रुपया मेरे भाइयों बहनों, 1,25,000 करोड़ रुपया समथिंग का बोली लगाए थे, आरा से ही लगाए थे, कहाँ कुछ दिए, अभी भी वैसा ही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। चुनाव की कवरेज करते करते बिहार पहुँच चुके हैं। आज हम पटना से थोड़ी दूर निकले, यहाँ 1 घंटे के रास्ते पे मनेर में हम मौजूद हैं। ये पाटलिपुत्र यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों आपस में एक बार फिर से तीसरी बार भिड़ रहे हैं, उसी का हाल चाल जानने यहाँ आए हैं। मीसा भारती भी रोड शो यहाँ पर कर रही हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। यहाँ आम जनता से ये रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मीसा भारती जो पिछली बार सिर्फ 40,000 से भी कम वोटों से हारी थी, क्या तीसरी बार फिर से रामकृपाल यादव, जो एक तरह से RJD के ही पहले विद्रोही नेता माने जाते थे और उसके बाद अब 10 साल से जाहिर है वो दूसरे खेमे में हैं, क्या अब वो फिर से जीत जाएंगे या फिर इस बार मीसा भारती को मौका देने को जनता तैयार है? अगले कुछ ही मिनटों में आपको अंदाजा हो जाएगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, कोई को क्या दे रहे हैं, बुला के लाइए। तो युवाओं को सबसे दिक्कत कर दिए गए हैं कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे सब लड़का UPSC की तैयारी नहीं करता है। सही बात है कि नहीं है? गाँव में UPSC की तैयारी नहीं करता, सब इंडियन आर्मी की तैयारी करता। हम भी एक इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बंदा थे, बट 4 साल के वजह से हम लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करना छोड़ दिए हैं। एक बताइए आप, जो रह गया फैक्ट्री के बात में, जो कुरकुरे बनाता है उसका रेट खुद रखता है, जो हम कुरकुरे बनाते हैं तो हम अपना रेट खुद रखेंगे, बाकी जो हम लोग अनाज उपजाते हैं उसका रेट सरकार क्यों रखता है, उसका रेट सरकार क्यों रखता है, हम अपना मन से क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका भी कमेटी बचना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। इस बार रोजगार के नाम पर हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। आप बताइए, 17 महीना में नौकरी दी तेजस्वी यादव, आई 5 लाख, आई 5 किलो अनाज दे करके और 2 रुपया पेट्रोल कर फिर तमाशा करने आया है, नाचने आया है, जबकि मोदी दाढ़ी बढ़ा के रूप बदले हुए है। हिंदूवादी के बात खाली हिंदू मुस्लिम करता है। कल लालू यादव कुछ बोल दें तो क्या आरक्षण आप दीजिएगा, और वो आरक्षण के वो दादा बने हुए हैं। आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को, चाहिए तो सबको आरक्षण मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, खाली उनका गुजरात में चाहिए सब चीज। मैडम यहाँ राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, नहीं राम मंदिर तो सबका है, भगवान तो सबका है, कह रहे कांग्रेस पार्टी आ गई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। राजीव गांधी पहला ताला खोले थे, राजीव गांधी जी ही पहला ताला खोले थे जाकर के 92 में। अच्छा, आपने नौकरी की बात की, आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली? किसी को नहीं, यादव को खास करके नहीं मिला। नहीं, तेजस्वी यादव ने जो नौकरी, तेजस्वी यादव हम मास्टर में दी नहीं आपको मिली? नहीं, मेरा गांव में मिला है, बहुत लड़कन को मिला है आपको मिला? हम तो ड्राइवर है मैडम, हम लोग कभी जीना मुश्किल मोदी जी कर दिए है पटना नौकरी मिली नहीं, हम लोग पढ़ लिख के ड्राइवरी कर रहे हैं, वो भी हम लोग को चलने नहीं दिया जा रहा है। जान पहचान में किसी को नौकरी मिला? हम लोग के गांव में बहुत मिला है, मेरे गांव में 17 आदमी को मिला है, 13 आदमी को मिला है पक्का? और आपके बताइए आपके यहाँ किसी को नौकरी जी? मेरे बगल में ही मिला, धनंजय कुमार नाम है उसका, उसको मिला है, टीचर कहीं जॉब करता है फिलहाल, जब 17 महीने निकले हैं तो मिला है। 5 kg अनाज में ये पूरा 80 करोड़ जनता को तोलना चाहते हैं, 5 kg अनाज में, और कोई बात नहीं है, सिर्फ 5 kg अनाज देकर सबको चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बना ले। हिंदू मुस्लिम, हिंदू में कोई फैक्टर ही नहीं है, कहाँ हम लोग के हिंदू मुस्लिम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हिंदू मुस्लिम हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम भी लोग ईद में आते हैं, वो भी लोग छठ पूजा में आता है, छठ पूजा में आप आइएगा, मुसलमान लोग भी बहुत लोग आते हैं,
यहाँ हिंदू में मुस्लिम कोई फैक्टर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आपका माल दे देंगे उठा के, तो आप विश्वास नहीं करते? वो कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है, कोई कह ही नहीं रहा है कि किसी को ज्यादा। मोदी कह रहे हैं, मोदी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बना रहा है जो भी जनता का मूर्ख बना रहा है, वो पांच के अनाथ में बना रहा है। 2014 रोजगार है, मोदी जी को बोलिए कि यहाँ मेट्रो का जरूरत था, यहाँ रोजगार का जरूरत था, मेट्रो से क्या हम लोग खा लेंगे? एक भी बिहार में फैक्ट्री है देख रहे हैं? फैक्ट्री डाले कि 2 करोड़ रोजगार डालेंगे वो दिए हैं। विशेष राज्य का जो बिहार का बोली लगा के गए 1.25 लाख करोड़ रुपया वो मोदी जी दिए हैं, कहाँ कुछ है? हमको 1 करोड़ बिहार में मैम 40 में से 39 सीट मोदी जी को दिया, कहाँ कुछ किए? कुछ भी नहीं किए। अब क्या किया जाए, हम लोग को गुलाम रख दिया जाए? यहाँ मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर उनसे उनकी चुनावी रैली में हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मीसा भारती जी, कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए, ये जो आप जन सैलाब देख रही हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की नाकामियों का असर है। 10 वर्षों तक इनको मौका दिया गया और देश में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जितने वादे किए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, लोगों के 15-15 लाख आने थे, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, और खासतौर पे क्योंकि आज आप बिहार में और मैं बिहार से हूँ, तो अगर सबसे ज़्यादा अगर नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया तो वो बिहार राज्य को ठगने का काम किया। कहा गया कि स्पेशल राज्य का पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार की जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पियेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी किस वर्ष में चाय पियेंगे? 10 वर्ष तो बीत गए, समय बताएंगे? दिन महीना कुछ तो बताएंगे, साल भी बताएंगे? और आप यहीं पे देखिए प्रधानमंत्री जी एक मौका और चाह रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं है। आपने जो पिछले 10 वर्षों तक जो 14 में और 19 में वादे किए, एक काम आपने पूरा नहीं किया। तो ये जो जनता जो आज सड़क पे आई है, ये कोई रोड शो नहीं है, ये जनसंपर्क है। मतलब मुझे रुक रुक के मिलते जाना था, और आप देखिए जिस तरह से जनता सड़क पे है। तो ये मिसा जी, अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, ये दीवान की देखते बंद? बिल्कुल, अभी मैंने नॉमिनेशन भी नहीं किया, मेरा नॉमिनेशन 13 तारीख को होना है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से सभी विधानसभा में, पाटलिपुत्रा में 6 विधानसभा है और सब जगह यही हाल है। बताइए कि 2 बार आप जरा डिफरेंस से रह गया, इस बार ऐसी क्या बात है, तीसरी बार इसी सीट पे कैसे आ गए? देखिए, ये कुछ मीडिया के द्वारा एक लहर दिखाई गई, मोदी जी चेहरे पे लड़े, 14 में बहुत सारे वादे किए, लोगों ने विश्वास किया कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जो वादे कर रहे हैं शायद वो पूरा होंगे। युवाओं को भी लगा कि वो हमारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं को लगा महंगाई कम करेंगे, किसानों को लगा उनकी आय दुगनी करेंगे। तो ये सब वादे अब जनता इनको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और जो आप देखिए 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और एक भी सांसद ना तो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है एनडीए गठबंधन का और भाजपा का, और ना अपने काम पे चुनाव लड़ता है वो मोदी जी का चेहरा दिखा करके। और इस देश के प्रधानमंत्री का स्तर देखिए कि तेजस्वी ने जो वादा किया था युवाओं से, अपने बिहार की जनता से, कि अगर वो मौका देते हैं उनको तो पहले कलम से वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और ये बिहार में तेजस्वी का ही असर है, जिस तरह से उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया कि देश के प्रधानमंत्री को सड़क पे उतार दिया है, रोड शो करने का नौबत आ गया है। जी बताइए कि जो कास्ट सेंसस वाला जो इशू था, वो राष्ट्रीय स्तर पर सेंसस का जो इशू था, बिहार ने एक मॉडल तैयार किया कास्ट सेंसस करके, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छेड़ दी और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को बदला, कितना असर पड़ रहा है इसका कास्ट सेंसस? इसका बहुत असर है, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने जो जातीय जनगणना कराने की बात कही थी और हम लोगों ने उसको कराया, और उसी के अनुपात में हमने 75% आरक्षण भी दिया है। तो आप एक तरफ देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि ये लोग संविधान पे बात कर रहे हैं, आरक्षण पे, ये आरोप कोई प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष के नेताओं का नहीं है, ये भाजपा के नेताओं के ही वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, उनके नेता ही कहते हुए सुने जा रहे हैं इन वीडियो में और मीडिया के द्वारा बहुत जगह दिखाया जा रहा है कि अगर उनको 400 पार आएगा तो वो संविधान में संशोधन कर देंगे। तो ये हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।
अलावा जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि भाई कास्ट सेंसस करने के बाद एक से धन लेके दूसरे को बांट देंगे, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, जो आपने देश की जनता से आपने वादा किया, उन कामों पे आप, डेवलपमेंट पे आप क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आज तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल, सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पहले चुनाव में क्या वादा किए थे? वो 2 करोड़ नौकरी, हर एक के खाता में 15 लाख रुपया, कोई पैसा आया? एक जनता ने 1000 रुपया, 500 रुपया लगा के अकाउंट खुलवाया पूरे देश में, उस अकाउंट का पैसा जोड़िए, कहाँ गया पैसा? वो भी पैसा लूटा, प्लस 15 लाख कहाँ आया? पीएम के, अच्छा ठहर जाइए, ठहर जाइए, मैं बोलता हूँ। आज तक देश के प्रधानमंत्री कोई रोड शो किया था? ये मुखिया के चुनाव से भी बदतर है, प्रधानमंत्री हो गया। बताइए, कहते हैं हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, स्थिति क्यों आया? हाँ, इसलिए आया कि वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ को छिपाने के लिए रोड शो कर रहा है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने सुना था? अच्छा, आप बताइए, मोदी से पहले सुनिए एक मिनट, बीजेपी के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, रोड शो किए हैं? अरे उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा अटल बिहारी वाजपेयी। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, 10 साल, 10 साल वो अपना काम पर क्यों नहीं वोट मांग रहा है? 15 साल लालू का राज था, 15 से 20 साल पर उसको याद करे, उसको याद करने से क्या मिलेगा? हम लोग 10 साल उनका इंतजार किए, 5 साल तो ठगिन, मोदी जी सरकार बनी, करोड़ देंगे, 15 करोड़ देंगे, 15 लाख रुपया देंगे हाई फीड में, टोटल माने काम झूठ बोल के अपना काम बनाए, सारा चीज के तो माने महंगाई करके, प्याज पर हम लोग का किसान आदमी का GST माने लागू करवा के 40% माने लीन, ऐसा गद्दार आदमी समझे कि नहीं? अरे हम लोग तो किसान आदमी है, चलता है, सब सब हम लोग उब गए। बहुत मजी आन करा चाचा चाची जे ने तने ओ की दा बाबा बतम ल लते ने जने, बहुत मजी आन करा जे ने तने बोल तू चाचा कोई देलन जनता जोरे घातवा, अबे नहीं खेरो गइले अबे जनता के बिसवा सवा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।